शांत रहिए आप लोग, चुप हो जाइए, शांत रहिए। देखिए सेठ जी जेल से बाहर आने के बाद उनके बेटे के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात रामजी सकपाल की बेटियों की है। अरे जरा सोच कर तो देखो कितना गलत कर रहा है। अब रामजी सकपाल अपनी बेटियों को पढ़ाएगा और उसे देखते देखते फिर सारे गांव की लड़कियां पढ़ेंगी, इससे सामाजिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा क्या? इससे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या? होगा ना, बिल्कुल होगा। वही तो, चूल्हा चौका संभालने वाली औरतें अब पढ़ाई करेगी हैं? अरे ठिठाई की भी हद होती है, कल से पढ़ लिख कर ये हमारे ही सर पे बैठेगी। अच्छा तो वो भी हमारी तरह अलग है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आज तक तो मुझे बस ये लगता था कि हम लोग आप लोगों से अलग हैं, अलग ही नहीं, आपकी नजर में नीचे, जिसे आप अपने बराबर नहीं मानते, इसलिए हम समाज में अलग रहते। लेकिन आज पता चला कि आपके साथ आपके घर में जो लड़कियां रहती हैं, वो भी आपकी नजर में नीची है, उन्हें भी आप अपने बराबर नहीं मानते, आप उनके साथ भी हमारे जैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें भी हमारी तरह पढ़ने नहीं देना चाहते ताकि वो हमारी तरह कमजोर बने रहे। ये कितनी शर्म और दुख की बात है, लेकिन मैं गांव की लड़कियों से कहूँगा कि वो पढ़े और आके खड़ी हो जाए आप सबके बराबर। तुम कह दोगे और हम उन्हें पढ़ने देंगे? उनकी जगह चूल्हे चौके तक सीमित है और बेहतर होगा कि वो वहीं तक सीमित रहें। औरतों और मर्दों में फर्क होता है, समझे? हाँ समझा। कि आपने इस समाज को कितना बांट के रखा है, ये आपने इसलिए किया है ताकि आप बड़े बने रहे और सबको नीचा दिखाएं। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है चिड़ी तो। खबरदार, जो कोई भी आगे बढ़ा है तो सर फोड़ दूंगा। और भीम को क्यों मार रहे हो, शर्म नहीं आती? तू जा भीम। ध्रुव तुम्हें इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? ज्ञान मत दो भीम, जाओ यहाँ से। अरे जाना।